पहले हमारे गांव में होते गेहूँ होते चावल होते, पहले मंडुआ होता था, उसमें भी तो हमने छोड़ दिया। अब हमने यहाँ सब्जी का वो हो गया, अब हमारे गांव सब्जी का नाम से चल रहा है। अब ये हमारा उजाला है, इसको 10 बॉक्स हमें दिए 10 लोगों गांव में, और एक बार में जो है 4 किलो शहद निकलता है और साल भर में 2 बार निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं 800 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ पे गांव में समूह बना, उसमें समूह बनने में सहयोग किया। अमर उजाला हैस्को ने जो मिलकर जो है इस बेली में जो काम किया, हमारी समस्याओं के प्रति जो काम किया, उसके लिए जो है हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। उत्तराखंड की बांदल घाटी के 8 गांवों में खुशहाली और तरक्की के लिए ग्रामीणों को साथ लेकर अमर उजाला फाउंडेशन के प्रयासों का ही असर है कि आज चेहरों पर खुशियां दिखती हैं। खेती किसानी के लिए बीज और प्रशिक्षण, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, पशुपालन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से हर वर्ग में आत्मविश्वास बढ़ा और आमदनी के नए रास्ते भी खुले। एक चीज जो सबसे खास रही वो ये कि ग्रामीणों के दिल में रहा कि वो अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। महिलाएं शुरू में हम लोग गए थे, जो शुरू में महिलाएं बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, या शुरू में जो हम लोगों से बात करने के लिए या SHG ग्रुप से जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो अब हमने क्या किया कि 5 साल के बाद जो हमारे SHG के इन लोगों की छोटी छोटी बचत थी वो इन्होंने आपस में बांटा, और सर जो गांव में 50 रुपये जमा करती थी महिला अपनी बचत, अब 100 रुपये जमा कर रही है। जहां पहले पारंपरिक खेती होती थी वहां नकदी फसलें पैदा की जाने लगी। हैस्को एवं अमर उजाला फाउंडेशन यहां पर आए, दीदी लोग आए, हमें जानकारी दी, उन्होंने हमें सब्जी के बारे में, उसे बीज के, उसके खाद, उस सारे बारे में जानकारी दी, और उन्होंने हमें यहाँ पे 32,000 रुपये का मतलब सहायता दी, जिसे हम बीज खरीदा, उसके बाद उससे हमें बहुत फायदा हुआ। अच्छे बीज उपलब्ध कराने के साथ नई नई तकनीक के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। हमें सब्जी के मतलब जैसे खेती के बारे में तरीका और खेती से संबंधित जो भी वो होते हैं ना, जैसे खेती किस प्रकार की जाती है, हमें अगर ज़्यादा खेती मतलब ये उपज ज़्यादा करनी है तो इस कैसे करें, तो इसके हमें उसे इस बारे में बहुत जानकारी दी। हमें महिलाओं का यहाँ पे गांव में समूह बना, उसमें समूह बनने में सहयोग किया। खेती में भी बदलाव और लोग सपोर्ट भी करने लगे। पहले जो है महिलाएं आपस में बहुत इकट्ठा कम होती थी, जैसे एक दूसरे को देख के उसने कहा मेरा क्या जरूरत है, पर जब से इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना उसके बाद इनके अंदर एक चेंजिंग आई, नहीं हम मिलके काम करेंगे तो हम जो है इसका फायदा उठा सकते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी हम अपने पैरों पे, महिलाएं खासकर महिलाओं का जहाँ तक बात है, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। युवाओं को हुनरमंद बनाकर गाँव में ही रोजगार उपलब्ध कराया गया ताकि युवाओं की आमदनी भी बढ़े और ये पहाड़ों की विरासत से भी जुड़े रहें। ये 2018 से अमर उजाला एस्को से ये बॉक्स मिले हैं, 10 बॉक्स मिले हैं हमें, और पहले जो है घर में दीवारों में बैठती मक्खियाँ, अब जब से नए घर बनने शुरू हुए तो दीवारें बंद हो गई, तो अब ये अमर उजाला एस्को ने 10 बॉक्स हमें दिए 10 लोगों गांव में, और एक बार में जो है 4 किलो शहद निकलता है और साल भर में 2 बार निकालते हैं और बाजार में बेचते हैं 800 रुपये किलो के हिसाब से। कि जब गांव में काम करना है तो आप एक विषय वस्तु जिसको आप जानते हैं उसको लेके नहीं जा सकते, जो उनकी प्राथमिकता है वही आपके आधार कार्य के होने चाहिए। तो इसलिए खेती बाड़ी, पोल्ट्री, फिशरी, आई मीन तमाम तरह के कार्य, मशरूम, ये सब को मिलाकर के काम करने की वहां पे कोशिश की गई है। आज गांव के लोग अमर उजाला फाउंडेशन को जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, इन्हें भरोसा है कि फाउंडेशन हमेशा इनके साथ है। वर्ष 2013 की प्राकृतिक आपदा झेलने के बाद इन गांव के लोग फिर से अपनी मेहनत के दम पर उठ खड़े हुए
अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा शुरू हुई इस विकास की यात्रा में गांव के लोग हर कदम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।